हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे जो कि पैरामेडिकल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। मेनली ओटी टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन और नर्सिंग के एग्जाम्स में और मेडिकल के एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से सुनिए और हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑल आर पियर्स्ड इन लंबर पंक्चर एक्सेप्ट, यानी लंबर पंक्चर करते हैं नीडल के थ्रू तो क्या क्या पंक्चर होता है वहाँ पे, यानी किस किस को क्रॉस करते हुए हमारा जाता है। तो इसमें तीन तो है लेकिन एक हमारा एक्सेप्शनल है, यानी एक जो लेयर है उसको वो क्रॉस नहीं करता है लंबर नीडल जो होता है। तो पहला है पोस्ट लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, दूसरा लिगामेंटम फ्लेवम, तीसरा इंटर स्पाइनस लिगामेंट, चौथा है सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट। तो इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर है। पोस्ट लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट को लंबर पंक्चर करते टाइम निडिल जो है वो क्रॉस नहीं करती है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन स्पाइनल एनेस्थीसिया इज, स्पाइनल एनेस्थीसिया में सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो वो है हाइपोटेंशन। पहला ऑप्शन इसमें क्या है, तो पोस्ट स्पाइनल हेडेक, हेडेक भी होता है लेकिन हाइपोटेंशन मेन है। तीसरा मेनिनजाइटिस है, चौथा है एरिदमिया। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन, हाइपोटेंशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंक्रीज्ड डोज ऑफ स्पाइनल एनेस्थेटिक इज इंडिकेटेड इन अ पेशेंट हु हैज, यानी कि किस तरह के मरीज में डोज को इंक्रीज करके देना होगा स्पाइनल एनेस्थेसिया में, तो पेशेंट का क्या होना चाहिए। तो पहला इसमें ऑप्शन है एसाइट्स, दूसरा इंक्रीज्ड हाइट ऑफ द पेशेंट, तीसरा इज प्रेग्नेंट, चौथा है ओबेज। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि बढ़ी हुई हाइट जिसकी है, यानी कि हाइट जिसका ज़्यादा है उस मरीज को स्पाइनल एनेस्थीसिया के टाइम में डोज बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इंक्रीज्ड हाइट ऑफ द पेशेंट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर सरफेस एनेस्थेटिक्स एक्सेप्ट, यानी कि सारे सरफेस एनेस्थेटिक्स हैं किसी एक को छोड़कर, उस एक का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है लिग्नोकेन, दूसरा बुपिवेकेन, तीसरा प्रोकेन, चौथा सिनकोइन। तो यहाँ पे हमारा सिनकोकेन होगा नहीं, प्रोकेन होगा नहीं, लिग्नोकेन होगा नहीं, तो राइट आंसर है बुपिवेकेन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम डोज ऑफ जाइलोकेन फॉर लोकल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया के टाइम में जाइलोकेन का मैक्सिमम डोज कितना हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है 200 mg, दूसरा 250 mg, तीसरा 300 mg, चौथा 650 mg एंड फिफ्थ ऑप्शन हमारा है 700 mg। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 200 mg, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोकल एनेस्थीसिया के टाइम में जाइलोकेन को 200 mg ही दे सकते हैं, ठीक है। तो जाइलोकेन जब दें तो याद रखिए कि 200 mg उसका मैक्सिमम डोज है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिड्यूरल स्पेस लाइज बिटवीन, यानी एपिड्यूरल स्पेस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, किसके किसके बीच प्रेजेंट होता है। पहला है पाया एंड एरेक्नॉइड, दूसरा है ड्यूरा एंड एरेक्नॉइड, तीसरा है ड्यूरा एंड वर्टिब्रल कॉलम, चौथा है पायामेटर एंड ग्रे मैटर। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि ड्यूरा और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में होता है एपिड्यूरल स्पेस। तो कहाँ पे, तो ड्यूरा और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनेस्ट क्रैनियल नर्व अफेक्टेड इन स्पाइनल एनेस्थीसिया, यानी कि सबसे कॉमन कौन सी क्रैनियल नर्व है जो कि स्पाइनल एनेस्थीसिया के टाइम में अफेक्ट होती है। तो पहला ऑप्शन है सेकेंड, दूसरा है थर्ड, तीसरा है फोर्थ और चौथा है सिक्स्थ और पांचवा है टेंथ। तो हमारे जो सिक्स्थ क्रैनियल नर्व है वो अफेक्ट होती है स्पाइनल एनेस्थीसिया देते टाइम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम कैन बी कॉज्ड बाय, तो कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम किसके कारण होता है। तो पहला है स्पाइनल एनेस्थीसिया, दूसरा एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, तीसरा है बोथ यानी दोनों, चौथा है नन यानी कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर है, स्पाइनल एनेस्थीसिया के कारण कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडेक्स ऑफ पोटेंसी ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, यानी जनरल एनेस्थीसिया का इंडेक्स ऑफ पोटेंसी कितना होना चाहिए। पहला ऑप्शन है मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन,
दूसरा है डिफ्यूजन कोफिशियंट, तीसरा है डीप स्पेस कंसंट्रेशन, चौथा है एल्वियोलर ब्लड कंसंट्रेशन प्लस ब्लड कंसंट्रेशन। तो ये जो ऑप्शन हमारा है ए ऑप्शन, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी जनरल एनेस्थीसिया का इंडेक्स ऑफ पोटेंसी होता है मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायोपेंटेन इफ़ इंजेक्टेड एक्सीडेंटली इनटू एन आर्टरी द फर्स्ट सिम्टम इज, अगर गलती से थायोपेंटेन आर्टरी में इंजेक्ट हो गया है तो पहला लक्षण क्या आएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है एनाल्जेशिया, दूसरा पेन, तीसरा पैरालिसिस और चौथा है स्किन अल्सरेशन। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि पेन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस ऑफ फेरिंगियल रिफ्लेक्स इज मोर विद विच एनेस्थेटिक, यानी फेरिंगियल रिफ्लेक्स का लॉस होना किस एनेस्थीसिया में सबसे ज़्यादा होता है, किस एनेस्थेटिक में। पहला है आइसोफ्लोरेन, दूसरा है किटामिन, तीसरा है N20-02 नार्कोटिक, चौथा है नॉन ऑफ दी फॉलोइंग। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, आइसोफ्लोरेन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट एनाल्जेसिक इफेक्ट इज अ फीचर ऑफ, तो हाईएस्ट एनाल्जेसिक इफेक्ट इनमें से किस ड्रग का है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है किटामिन, दूसरा थायोपेंटेन, तीसरा प्रोपोफॉल, ये टाइपिंग मिस्टेक है, मेनली प्रोपोफॉल होगा यहाँ पे, चौथा होगा इटोमिडेट। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि किटामिन। किटामिन के पास सबसे ज़्यादा एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट ऑफ इनएडवर्टेंट इंजेक्शन ऑफ पेंटोथल इंट्रा आर्टरियली, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ई ऑप्शन, जिसमें आपका ये चारों ऑप्शन जो हैं इसका राइट आंसर होंगे। यानी इंजेक्शन ऑफ प्रोकेन इनटू द आर्टरी, यानी प्रोकेन जो इंजेक्शन है उसको आर्टरी में देना, पापावेरिन इंट्रा आर्टरियली, हिपेरिन आईवी, स्टीलेट गैंग्लियोन ब्लॉक। ठीक है, तो ये चारों जो है ये राइट है, इसीलिए हमारा ई ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्सिनाइल कोलिन इज शॉर्ट एक्टिंग ड्यू टू, सक्सिनाइल कोलिन किसके कारण शॉर्ट एक्टिंग होता है। तो पहला है रैपिड एक्सक्रीशन, दूसरा है पुअर एब्जॉर्प्शन, तीसरा है रैपिड हाइड्रोलाइसिस, चौथा है नॉन, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि सक्सिनाइल कोलिन जो है उसका रैपिड हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, यानी हाइड्रोलाइसिस बहुत तेज़ी से होता है, इसी के कारण एस्कोलिन जो है वो शॉर्ट एक्टिंग होता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग हेलोथेन एक्सेप्ट, यानी हेलोथेन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और चार स्टेटमेंट है जिसमें से तीन सही है और एक गलत है, तो उस एक जो हमारा एक्सेप्शनल है उसे बताना है। पहला है नॉन इन्फ्लेमेबल, दूसरा बॉयल्स एट 50 डिग्री सेल्सियस, तीसरा इट इज़ स्टेबल वेन एक्सपोज टू लाइट, चौथा हैवी कलरलेस विद कैरेक्टरिस्टिक्स स्वीट ऑर्डर। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन कि ये स्टेबल होती है, ये जो स्टेटमेंट है कि ये स्टेबल होती है जब हम लाइट के सामने इसे एक्सपोज करते हैं, तो ये हमारा एक्सेप्शनल है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट यूटराइन रिलैक्सेशन इज सीन विद, यानी कि सबसे अच्छा इन चारों में से कौन सा यूटराइन रिलैक्सेशन कर सकता है। पहला है क्लोरोफॉर्म, दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा ईथर और चौथा हेलोथेन। तो हेलोथेन जो है वो बेस्ट यूटराइन रिलैक्सेशन करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी डी ट्यूबोक्यूरेरिन एक्ट्स एट, यानी कि ये जो ड्रग्स हैं हमारा ट्यूबोक्यूरेरिन वो किस पे एक्ट करता है। तो पहला ऑप्शन मायोन्यूरल जंक्शन, दूसरा ऑप्शन है प्री साइनोप्टिक ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, तीसरा है पोस्ट साइनोप्टिक ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, चौथा है पोस्ट सिनोप्टिक ऑफ सिम्पैथेटिक नर्व्स। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, मायोन्यूरल जंक्शन, जो मायोन्यूरल जंक्शन है वहाँ पर ये ड्रग एक्ट करती है ट्यूबोक्यूरेरिन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एलिमिनेटेड बाय हॉफमैन एलिमिनेशन, हॉफमैन एलिमिनेशन के द्वारा कौन सा एलिमेंट जो है, कौन सा इसमें से ड्रग जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। पहला ऑप्शन है एल्थेसिन, दूसरा ऑप्शन है डी ट्यूबोक्यूरेरिन, चौथा है पेनक्यूरोनियम और पांचवा है एट्राक्यूरियम। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, एट्राक्यूरियम।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डी ट्यूबोक्यूरेरिन इज, यानी डी ट्यूबोक्यूरेरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। पहला ऑप्शन है डीपोलराइजिंग, दूसरा नॉन डीपोलराइजिंग, तीसरा है ब्लॉकेज ऑफ सोडियम चैनल और चौथा है ब्लॉकेज ऑफ पोटेशियम इन्फ्लक्स। तो मेनली जो है बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, नॉन डीपोलराइजिंग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिनेटिव साइन ऑफ प्लेन वन ऑफ एनेस्थीसिया इज, तो पहला ऑप्शन है फिक्सेशन ऑफ आईबॉल, दूसरा पेपिलरी डायलेशन, तीसरा ब्लरिंग ऑफ विजन, चौथा इंटरकोस्टल पैरालिसिस। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, फिक्सेशन ऑफ आईबॉल। तो ये जो है हमारा फिक्सेशन ऑफ आईबॉल वो किसका साइन है, तो एनेस्थीसिया के प्लेन वन का है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनेस्थेटिक एजेंट्स हैज़ बीन सुपरसीडेड बिकॉज ऑफ कार्डियोटॉक्सिसिटी, यानी कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट है जो कि सुपरसीडेड हो जाता है कार्डियोटॉक्सिसिटी के कारण। तो इसमें राइट आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन, यानी कि क्लोरोफॉर्म। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज अ स्टेरॉयडल एनेस्थेटिक एजेंट, तो इसमें से कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट है स्टेरॉयडल वो भी। तो पहला ऑप्शन जो है एल्थेसिन, वो हमारा स्टेरॉयडल एनेस्थेटिक एजेंट है। तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किटामिन कॉजेज ऑल एक्सेप्ट, यानी किटामिन जो है इन चारों में से तीन काम करता है एक को छोड़कर, तो उस एक के बारे में बताना है। तो पहला ऑप्शन है पोटेंट एनाल्जेसिक इफेक्ट, दूसरा मसल रिलैक्सेशन, तीसरा है कम्प्लीटली एक्सक्रीटेड बाई लीवर, चौथा है यूज्ड इन हाइपोटेंशन। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, मसल रिलैक्सेशन, यानी किटामिन जो है वो मसल रिलैक्सेशन का काम नहीं करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्यूबेशन डोज ऑफ पेनक्यूरोनियम इज, तो पेनक्यूरोनियम का इंट्यूबेशन डोज कितना होता है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 0.08 mg पर kg। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनेस्थेटिक्स कैन बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड बाय द पेशेंट ड्यूरिंग लेबर, यानी लेबर के दौरान कौन सा ऐसा एनेस्थेटिक है जो कि खुद से मरीज एडमिनिस्टर कर सकता है। तो पहला है ट्राइक्लोरोइथिलीन, दूसरा इथाइल क्लोराइड, तीसरा हेलोथीन और चौथा इन्फ्लुरेन। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ट्राइक्लोरोइथिलीन जो है वो मरीज खुद से ले सकता है लेबर के दौरान। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज डिलीरियम ड्यूरिंग रिकवरी फेज, इसमें से कौन सा ड्रग है जो कि रिकवरी फेज के टाइम में डिलीरियम कॉज करता है। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, किटामिन। किटामिन जो है वो डिलीरियम कॉज करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट एनाल्जेसिक इज, यानी इनमें से कौन सा बेस्ट एनाल्जेसिक है। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, इथर। इथर जो है वो सबसे बेस्ट एनाल्जेसिक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ऑफ मदर अंडरगोइंग इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन व्हेन जनरल एनेस्थीसिया इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड इज, यानी सबसे कॉमन कारण क्या है एक मदर के डेथ का, जब वो इमरजेंसी में, जब मान के चलिए किसी का सिजेरियन सेक्शन होना है इमरजेंसी में, और उसके डेथ का जो है सबसे मेन कारण क्या है जब उसको जनरल एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर किया जा रहा है तब। तो पहला है ओवरडोज ऑफ इन्हेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट, दूसरा है सर्कुलेटरी फेल्यूअर, तीसरा है एसिड एस्पिरेशन ऑफ स्टमक कंटेंट्स इनटू द लंग्स, चौथा है रीनल फेल्यूअर। तो जनरल एनेस्थीसिया दिया जा रहा है इमरजेंसी के टाइम में किसी प्रेग्नेंट लेडी को और उसका ऑपरेशन से बच्चा होने वाला है, तो सबसे कॉमन कॉज है डेथ का, उनके मरने का, कि क्या होता है कि एसिड जो है वो फेफड़ों में आके भर जाता है। ठीक है, स्टमक का जो एसिड है, जो पेट का एसिड है, वो कहाँ आ जाता है, तो फेफड़ों में आ जाता है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्टिविटी ऑफ मसल्स ऑफ आईबॉल ड्यूरिंग इथर एनेस्थीसिया इज वेल मार्क्ड, यानी आईबॉल के मसल्स की एक्टिविटी को कैसे मार्क कर सकते हैं जब इथर एनेस्थीसिया हम लोग डिलीवर कर रहे हैं तब। तो पहला है स्टेज वन, दूसरा है स्टेज टू, तीसरा है स्टेज थ्री और चौथा है स्टेज फोर। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि स्टेज वन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगार्डिंग हेलोथेन द करेक्ट स्टेटमेंट इज, हेलोथेन के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला क्वेश्चन है, लार्ज रेंज ऑफ सेफ्टी मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया डज नॉट कॉज एरिथमियाज कैन बी गिवन इन हेपेटाइटिस पेशेंट्स। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि हेलोथेन का यूज एनेस्थीसिया को मेंटेन करने के लिए किया जाता है।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनेस्थेटिक एजेंट दैट प्रीडिस्पोजेस टू मैक्सिमम एरिथमियाज, कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट है जो कि मैक्सिमम जो है एरिथमिया कॉज करता है, ठीक है? तो कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट है? तो पहला ऑप्शन है आइसोफ्लुरेन, दूसरा है इनफ्लुरेन, तीसरा है हेलोथेन और चौथा है इथर। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है, हेलोथेन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग हैज़ द मोस्ट पोटेंट एनाल्जेसिक एक्शन, यानी कि इन चारों में से एक जो ऑप्शन है वो राइट है और उसका काम क्या है? तो वो बहुत ज़्यादा ही पोटेंट एनाल्जेसिक एक्शन करता है। तो ट्राइक्लोरोइथिलीन जो है, यानी डी ऑप्शन जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज थायोपेंटोन कॉन्ट्राइंडिकेटेड, यानी थायोपेंटेन किस मरीज को नहीं दे सकते हैं? तो पहला है हेड इंजरी, दूसरा है रेटिनल सर्जरी, तीसरा है डायबिटीज और चौथा है पोरफायरी। तो राइट आंसर है डी ऑप्शन, यानी पोरफायरी। पोरफायरी में थायोपेंटेन जो है नहीं दिया जा सकता। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर ऑफ हेलोथेन सिलेंडर इज, यानी हेलोथेन सिलेंडर का कलर कैसा होता है? तो पहला ऑप्शन ये जो है वो रेड है, दूसरा ऑप्शन पर्पल है, तीसरा ऑप्शन वाइट है और चौथा ऑप्शन ग्रीन है। तो ये ऑप्शन राइट आंसर है, यानी कि रेड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, इन चारों में से कौन सा जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है? तो सी ऑप्शन राइट आंसर है, मीवा क्यूरियम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेस टू ब्लॉकर इज, यानी फेस टू ब्लॉकर कौन सा है? तो पहला ऑप्शन सक्सा मिथोनियम जो है वो हमारा राइट आंसर है, यानी कि सक्सा मिथोनियम जो है वो फेस टू ब्लॉकर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोज ऑफ किटामिन बाई आईवी रूट इज, यानी किटामिन का डोज जो है आईवी रूट से कितना होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है 0.5 mg/kg, दूसरा है 1 mg/kg, तीसरा है 2 mg/kg और चौथा है 5 mg/kg। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, 2 mg/kg। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी फॉलोइंग आर मसल रिलैक्सेंट्स एक्सेप्ट, यानी इनमें से चार में से तीन जो है मसल रिलैक्सेंट हैं और एक नहीं है, जो नहीं है उसका नाम बताना है। पहला है डीका मिथोनियम, दूसरा है सक्सा मिथोनियम, तीसरा है हेक्सा मिथोनियम, चौथा है पेनक्यूरोनियम। तो सी ऑप्शन जो है वो मसल रिलैक्सेंट नहीं है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर्सल ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड विद DTC इज डन विद, तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है एस्कोलिन, दूसरा न्यूस्टिग्मिन, तीसरा एट्रोपिन, चौथा डेंट्रोलिन। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, न्यूस्टिग्मिन। न्यूस्टिग्मिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपोलराइजिंग एजेंट्स आर एसोसिएटेड विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, डीपोलराइजिंग एजेंट जो है वो किससे एसोसिएटेड होता है? तो इसमें से चार ऑप्शन में से तीन हैं लेकिन एक नहीं है, वो जो नहीं है वही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मसल फेसिक्यूलेशंस प्रीसीडिंग द ऑनसेट ऑफ ब्लॉक, दूसरा है अब्सेंस ऑफ पोस्ट रिटेनिक पोटेंटिएशन, तीसरा है पोटेंटिएशन ऑफ ब्लॉक बाय एंटीकोलिनेस्टेरेजेज, चौथा है रिवर्सल ऑफ एंटीकोलिनेस्टेरेजेज। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायोपेंटेन इज यूज्ड फॉर इंडक्शन एनेस्थीसिया बिकॉज इट इज, थायोपेंटेन जो है इंडक्शन एनेस्थीसिया की तरह यूज किया जाता है क्योंकि, पहला ऑप्शन है स्मूथ इंडक्शन, दूसरा ऑप्शन है रैपिडली रीडिस्ट्रीब्यूटेड, तीसरा है इजी टू एडमिनिस्टर, चौथा है इजी टू मॉनिटर। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, स्मूथ इंडक्शन। थायोपेंटेन जो है बहुत ही स्मूथली इंड्यूस हो जाता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है इंडक्शन एनेस्थीसिया के लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम इमेसिस कॉजिंग एनेस्थेटिक, तो सबसे ज़्यादा इमेसिस कॉज करने वाला एनेस्थेटिक कौन सा है, ठीक है? तो पहला ऑप्शन है N20, दूसरा है डाईथाइल इथर, तीसरा है क्लोरोफॉर्म, चौथा है थायोपेंटल। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, तो क्लोरोफॉर्म जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर डैमेज कैन बी इंड्यूस्ड बाय, लीवर डैमेज किसके द्वारा इंड्यूस किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन हेलोथेन है, दूसरा इथर है, तीसरा ट्राइलीन है, चौथा नाइट्रस ऑक्साइड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि हेलोथेन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसल रिलैक्सेंट कंट्राइंडिकेटेड इन CRF, तो क्रॉनिक रीनल फेलुअर में हमारा जो है
कौन सा मसल रिलैक्सेंट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यानी किस में नहीं दिया जा सकता है, यानी CRF क्रॉनिक रीनल फेलुअर के केस में कौन सा मसल रिलैक्सेंट नहीं दे सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है गालामाइन, दूसरा सक्सिनाइल कोलिन, तीसरा ट्यूबोक्यूरेर, चौथा है पेनक्यूरोनियम। तो राइट आंसर होगा ई ऑप्शन, गालामाइन। गालामाइन को हम लोग CRF यानी क्रॉनिक रीनल फेलुअर के केस में नहीं दे सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर यूज्ड इन हिपेटिक एंड रीनल फेलुअर। तो कौन सा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है जो कि हिपेटिक और रीनल फेलुअर के केस में यूज किया जाता है। पहला है एस्कोलिन, दूसरा है ट्यूबोक्यूरेरिन, तीसरा है डीकामिथोनियम, चौथा है एट्राक्यूरोनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि एट्राक्यूरोनियम। एट्राक्यूरोनियम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबोक्यूरेरिन एक्शन इज इजीली रिवर्स्ड बाय। ट्यूबोक्यूरेरिन का एक्शन कैसे रिवर्स किया जा सकता है। तो पहला एट्रोपिन, दूसरा न्यूस्टिग्मिन, तीसरा इड्रोफोनियम, चौथा है गालाथामीन। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, न्यूस्टिग्मिन ही है जो कि ट्यूबोक्यूरेरिन के एक्शन को रिवर्स कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल आर सीन इन किटामिन एनेस्थीसिया एक्सेप्ट। किटामिन एनेस्थीसिया में इनमें से तीन तो देखे जाएंगे लेकिन एक नहीं देखे जाते हैं, यानी कौन सा वो सीन है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है हाइपरटेंशन, दूसरा हेलुसिनेशंस, तीसरा ब्रोंकोस्पाज्म, चौथा एनाल्जीसिया। तो किटामिन के केस में ब्रोंकोस्पाज्म कभी नहीं होता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, बीपी बढ़ सकती है, हेलुसिनेशंस हो सकता है, एनाल्जीशिया हो सकता है, लेकिन ब्रोंकोस्पाज्म नहीं होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज। नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर का कलर कैसा होता है। पहला ऑप्शन ग्रे है, दूसरा ऑप्शन फ्रेंच ब्लू है, तीसरा ऑप्शन ब्लैक है, और चौथा ऑप्शन ब्लैक विद वाइट आर्म्स है। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कि फ्रेंच ब्लू। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एनेस्थेटिक एजेंट विद बॉइलिंग टेम्परेचर मोर देन 75 डिग्री सेल्सियस। यानी कौन सा ऐसा एनेस्थेटिक एजेंट है जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। पहला है ईथर, दूसरा हेलोथेन, तीसरा साइक्लोप्रोपेन, चौथा है मिथॉक्सी फ्लोरीन। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, मिथॉक्सी फ्लोरीन ऐसा एनेस्थेटिक एजेंट है जिसका 75 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। तो इस तरह से इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और सारे बच्चों को शेयर करिए ताकि उनको भी स्टडी में हेल्प